हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 22 नवंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो आया है मोना किया माउंटेन को लेके। क्वेश्चन है कि मोना किया जो माउंटेन है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है हवाई, दूसरा है केप टाउन, तीसरा है मनीला और चौथा है प्योंगयांग। देखो बेसिकली आपको बताऊं ये कहाँ से रिलेटेड है। अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हवाई जो द्वीप है वहाँ पे बेसिकली एक तरीके से वोल्केनो फटे थे और काफ़ी सारा मामला मतलब आया था, काफ़ी सारी तबाही फैली थी और वहीं पे बेसिकली मोना किया माउंटेन है वो स्थित है। और बात करें मोना किया माउंटेन फेमस क्यों है, इसके अलावा भी मोना किया माउंटेन फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो तो बेसिकली पानी के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर है और कुछ हिस्सा बेसिकली पानी के बाहर है। तो इसकी जो तो टोटल हाइट है बॉटम टू लेकर टॉप तक की, वो हाइट बेसिकली इसकी है 10,000 मीटर के आसपास। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट माउंटेन है इससे भी ऊंचा है, बट इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो जलमग्न है, इसलिए इसकी वैसे जो हाइट है वो कम होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मोना किया माउंटेन है कहाँ पे। नेक्स्ट जो आर्टिक क्वेश्चन है हमारा वो है राइन वैली और वास्डेस माउंटेन को लेके। क्वेश्चन ये है कि राइन वैली और वास्डेस माउंटेन है वो किसके एग्जाम्पल हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉक माउंटेन, दूसरा है फोल्ड माउंटेन, तीसरा है ज्वालामुखी माउंटेन और चौथा है कि नन ऑफ दीज। देखो ब्लॉक माउंटेन का ये एग्जाम्पल है बेसिकली, तो इसका ऑप्शन ए है वो यहाँ पे सही हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमें यहाँ पे मैचिंग के ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा इसमें सही ढंग से मैच है वो क्या गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ऊपरी हिमालय उसमें हिमाद्री है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि पश्चिमी घाट में सह्याद्री है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि निचला हिमालय या फिर लोअर हिमालय उसमें हिमाचल प्रदेश है, चौथा दिया गया है कि मिडिल हिमालय में शिवालिक रेंज है। देखो इन चारों ऑप्शंस को हमें सोचना है और देखना कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ग्रेटर हिमालय वाला हिस्सा है, उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बात करें कि पश्चिमी घाट है उसमें सह्याद्री, तो ये भी बिल्कुल सही है कि पश्चिमी घाट में सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ भी सही हो जाता है। चलो आप ये बताइए कि सह्याद्री की पहाड़ियाँ वो कौन से स्टेट में फैली हुई है मैक्सिमली, मतलब कौन से स्टेट में बेसिकली सह्याद्री की पहाड़ियों का फैलाव है वो है। तीसरा दिया गया है यहाँ पे कि लोअर हिमालय उसमें हिमाचल प्रदेश है। देखो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को एक बार सोच के देखिए, लोअर हिमालय कौन सा है वो है जिसमें शिवालिक रेंज है, मतलब सबसे नीचे जो हिमालय की रेंज है जो कि बेसिकली उत्तराखंड वाले एरिया में आती है वो आती है। तो बेसिकली तीसरा और चौथा इसमें अपोजिट मैच क्या हुआ है, लोअर हिमालय का यहाँ पे होगा ही शिवालिक और मध्य हिमालय में आएगा हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में हमें रेंज है वो करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि इनमें से कौन सी स्थान की जलवायु को प्रभावित कर सकती है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से कारक हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट है वो करते हैं कोई भी एरिया में। पहला दिया गया है लोकेशन, दूसरा दिया गया है ऊंचाई, तीसरा दिया गया है कि समुद्र से जो जितनी हाइट है वो, और चौथा दिया गया है उभार। मतलब जैसे देखो जमीन पे उभार होते हैं इस तरीके से, पहाड़ भी एक तरीके से उभार टाइप में आता है, बट पहाड़ ज़्यादा माउंट ऊंचाई होती है इसलिए वो माउंटेन में आता है, बट जो हल्के हल्के उभार होते हैं चढ़ाई होती है उसको बेसिकली उभार के नाम से यहाँ पे जाना गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलवायु को इफेक्ट है वो करता है। तो बेसिकली बात करें देखो लोकेशन है वो भी इफेक्ट करती है, हाइट है वो भी इफेक्ट करती है, और जो समुद्र से डिस्टेंस कितनी है वो भी इफेक्ट करती है क्लाइमेट को, इसके साथ ही जो उभार है वो भी इफेक्ट करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन इसमें से सही हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बारे में। हमें एस्टेरॉयड और कमेट्स दोनों के बारे में डिफरेंस बताना है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, बड़ी सावधानी से इनको पढ़ना है हमें। पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह हैं वो छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं, जबकि धूमकेतु हैं वो चट्टानी और धातु सामग्री के साथ जमे हुए गैसों से बने हुए होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह ज़्यादातर बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, और जबकि धूमकेतु हैं वो ज़्यादातर शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि धूमकेतु एक प्रकार की भौगोलिक पूंछ को दिखाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं, मतलब क्षुद्र ग्रह में पूंछ नहीं होती, धूमकेतु में पूंछ है वो दिखती है। देखो हमें एक एक करके इनके बारे में देखना है। सबसे पहले हम बात करें पहले स्टेटमेंट की। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्षुद्र ग्रह हैं वो एक तरीके से प्रॉपर सॉलिड रॉक से बने हुए होते हैं, और जबकि धूमकेतु होते हैं उनमें चट्टान भी होती है, धातु भी होती है, इसके साथ गैस, जमी हुई गैस वगैरह वो भी होती हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है वो हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह हैं वो ज़्यादातर बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
हम जानते हैं कि मार्स और जुपिटर है इसके बीच में, बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो एस्टेरॉयड बेल्ट है और वहाँ पे मैक्सिमली पाए जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहा है। बट लेकिन और लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए इसी में, ये क्या कह रहा है कि धूमकेतु है वो ज़्यादातर शुक्र और बुध ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो धूमकेतु है वो बेसिकली हम बात करें तो सबसे आउटर एरिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो हो जाता है। देखो इसीलिए हमें एग्जाम में ध्यान में रखना है, यूपीएससी क्या करती है, एक स्टेटमेंट सीधे देती है, उसका दूसरा पार्ट है वो गलत दे देती है, तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि धूमकेतु एक प्रत्यक्ष पुष्प भौगोलिक दिखाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो धूमकेतु है वो धातु चट्टान इसके साथ गैसों के बने हुए होते हैं, तो उनमें पूंछ है वो दिखती है, और जो ही ये सूर्य के नज़दीक आते हैं तो जो पूंछ होती है अगर उसमें नमी है तो उसकी वजह से वो वेपर की फॉर्म में बदल जाती है और एक तरीके से पूंछ की शेप हमें दिखाई देती है। जबकि क्षुद्र ग्रह तो क्या है, चट्टान से बने हुए होते हैं, उनमें तो कोई नमी वगैरह है नहीं, इसलिए उनमें ऐसा कुछ पूंछ वगैरह नहीं होती। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कि जो मकर रेखा है वो कौन से कंट्री से गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात यहाँ पे की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा नामीबिया और चौथा चिली। देखो हम एक बार अगर मैप को देखें तो ऑब्वियसली चारों के चारों ऑप्शन ही यहाँ पे सही हैं, क्योंकि जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया की बात का हम करें यहाँ पे नामीबिया, तो नामीबिया आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में मतलब साउथ की साइड है, तो इस वाले एरिया में तो यहाँ पे भी आपको पता है ऑब्वियसली इसमें मकर रेखा गुजरती है। इसके साथ ही बात करें चिल्ली की, तो चिल्ली आपको पता है कि ब्राज़ील है इस तरीके से लोकेशन, और ब्राज़ील के पास में ही है चिल्ली, तो इसलिए ऑब्वियसली इन चारों कंट्री से बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो गुजरती है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आए छोटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है कि इनमें से कौन से राज्य पवन चक्की पर आधारित नहीं है, मतलब वहाँ पे विंड टर्बाइन वगैरह है वो मैक्सिमम ज़्यादातर काम नहीं करती है, ये बेसिकली पूछा गया है। देखो यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है इसने, मतलब जहाँ पे पवन चक्की है वो बेसिकली काम नहीं करती है। पहला ऑप्शन दिया गया गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आसाम, चौथा राजस्थान। अब आप देख सकते हो कि इसमें एक ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट है और वही इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो गुजरात कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली विंड है, हवा काफ़ी अच्छी आएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो पवन चक्की होनी होनी है। तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु भी कोस्टल एरिया है, वहाँ पे भी विंड वगैरह काफ़ी अच्छी आती हैं, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हम बात करें तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस है वो की जाती है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर राजस्थान भी सही हो जाता है। बट देखो आसाम आपको पता है कि हिली एरिया के बीच में प्लेन एरिया है, आसाम है वो थोड़ा प्लेन एरिया में आता है, और इसके आसपास का जो एरिया है उस पर पहाड़ियाँ, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो मतलब इसमें विंड एनर्जी के ऑप्शन या रिसोर्सेज काफ़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पे इसने पवन चक्की आधारित नहीं पूछा, तो मतलब यहाँ पे आसाम इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मूलचिंग के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि मूलचिंग का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक तरीके से कि जो चराई करने की विधि है, मतलब जानवरों को ग्रास चराने की एक मेथड है। दूसरा दिया गया है कि कीटनाशक की पाचन प्रक्रिया है। तीसरा दिया गया है कि मिट्टी संरक्षण का उपाय है। चौथा दिया गया है कि एक मिट्टी को नरम करने का तरीका है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, ज्योग्राफी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, आपको देखना है कि मूलचिंग कौन सी प्रोसीजर है वो होती है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली आया है डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि जो पर्णपाती वन जो कि एक मौसम में पत्ते गिरा देते हैं उनकी विशेषता को लेकर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्णपाती जंगलों की विशेषता नहीं है, मतलब हमें जो विशेषता नहीं है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी आपको ही बताना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी को लेके आपको इसके बारे में आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि जो पर्णपाती जंगल होते हैं वो एक विशेष सीजन में अपने पत्ते हैं उनको छोड़ देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है कि वे साल के किसी भी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं एक साथ। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि पौधों की जड़ें कांटेदार और मोमी सतह की गहरी होती हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि वे उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण हो सकते हैं, मतलब या तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हो सकते हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन आपको बताना है। तो बेसिकली आपके लिए होमवर्क में दो क्वेश्चन है, एक तो ये है कि डेसिडियस फॉरेस्ट की विशेषता कौन सी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मूलचिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको बेसिकली बताना है। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी क्वेश्चन डिस्कशन की सर, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।